नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स. जब न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए तो कैश लेकर आता है लेकिन गुडविल के लिए कैश नहीं लेकर आता, तब कैसे ट्रीटमेंट करना है वो हम देखते हैं. इतना हमने अब तक समझ लिया है कि जब न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए कैश लाए पर गुडविल के लिए कैश नहीं लेकर आए, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि दो कैपिटल अकाउंट्स है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट कैपिटल अकाउंट. तो न्यू पार्टनर का करंट कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं उसके गुडविल के अमाउंट से और क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो. वील अंडरस्टैंड फर्दर विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. एंट एंड एलिफेंट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3. तो ये रहा एंट, ये रही एलिफेंट एंड 4:3. ठीक है, डियर जॉइन्स द फर्म, आ गया डियर. ओके, एंट सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, एलिफेंट सरेंडर्स 1/7 फ्रॉम हिज शेयर. कोई डिफरेंस लगा दोनों में? एंट सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, एलिफेंट सरेंडर्स 1/7 फ्रॉम हिज शेयर. ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस है. तो अब हम सैक्रिफाइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं. एंट का सैक्रिफाइस, एक वर्ड ऑफ और फ्रॉम एक सोल्यूशन में कितना डिफरेंस लेकर आ सकता है वो देखिए. एंट का सैक्रिफाइस, एंट का सैक्रिफाइस क्या होगा, उसका खुद का शेयर कितना है, 4/7, एलिफेंट से ज्यादा है उसका शेयर. सो 4/7 है एंट का ओल्ड शेयर, उसमें से एंट सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर. सो 1/4 ऑफ 4/7, सो 1/4 ऑफ जहां आता है मल्टीप्लाई करो उसको, 1/4 ऑफ 4/7 दैट इज 4/28. उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 and 7. ठीक है, तो 1/7 हो गया आपके एंट का सैक्रिफाइस. ठीक है, अब एलिफेंट, एलिफेंट सरेंडर्स 1/7 फ्रॉम हिज शेयर. फ्रॉम लिखा है मतलब डायरेक्ट सैक्रिफाइस दिया हुआ है, अब कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं. सो एलिफेंट सैक्रिफाइस इज इक्वल टू डायरेक्टली गिवन 1/7. ऑफ होता तो मल्टीप्लाई करते ओल्ड से, ऑफ नहीं है फ्रॉम है, डायरेक्टली सैक्रिफाइस इज गिवन. ठीक है, डियर ब्रिंग्स 30,000 फॉर कैपिटल. ओके, सो एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डियर ने लाया कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू डियर्स कैपिटल 30,000. नो अमाउंट ऑफ गुडविल इज बॉट बाय डियर, डियर कोई गुडविल लाया ही नहीं. फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 70,000. अब यहां ध्यान देना, पूरे फर्म की गुडविल है 70,000. फर्म्स गुडविल ठीक है. सो यदि फर्म की गुडविल 70,000 है तो आप ये बताओ डियर की गुडविल कितनी होगी. डियर की गुडविल फाइंड आउट करने के लिए मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो पहले वो करते हैं. न्यू पीएसआर, ठीक है, न्यू पीएसआर क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. ओके, सो एंट के केस में ओल्ड रेशियो कितना है 4/7 एंड माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, कितना सैक्रिफाइस किया 1/7, सो आ गया 3/7. देन एलिफेंट के केस में 3/7 ओल्ड था माइनस 1/7 सैक्रिफाइस है 2/7. ठीक है, एंड डियर के केस में
दोनों से कितना मिला 1/7 और 1/7, सो 1/7 प्लस 1/7 दैट बिकम्स 2/7. तीनों का डिनोमिनेटर 7 है, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:2. ठीक है, तो अब वापस पढ़ते हैं. फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एज 70,000. ओके, तो इसमें से डियर का शेयर कितना 70,000 टू बाय टोटल 7, सो इंटू 2/7. सो गुडविल में शेयर कितना हुआ 20,000. गुडविल में शेयर हुआ 20,000. सो अब 20,000 कैश में ला रहा है डियर? नो, डियर इज नॉट ब्रिंगिंग दैट अमाउंट इन कैश. सो एंट्री क्या होगी? डियर्स करंट अकाउंट डेबिट. व्हेन द पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश, आप क्या एंट्री करते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट. सो डियर्स करंट अकाउंट डेबिट बाय 20,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन द सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज टू एंट एंड टू एलिफेंट. सैक्रिफाइस रेशियो कितना है इनका? सैक्रिफाइस कितना था? 1/7 एंड 1/7 इक्वल था. मीन सैक्रिफाइस इज 1:1, 1:1 में दैट इज 10,000 एंड 10,000. सो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन इज सॉल्व व्हेन द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश. तो हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो. फर्म की यदि गुडविल दी हुई है तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना होगा, उसको डेबिट करेंगे उसके करंट अकाउंट पे और क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो.